नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री समाज सेवी मेधा पाटकर आज पुराने चिखलदा पहुंची, जहां उन्हें रेत के अवैध खनन के बारे में सूचना मिल रही थी। मेधा पाटकर के साथ कई ग्रामीण भी वहां पहुंचे और आरोप लगाया गया कि कई दिनों से चार पोकलैंड जेसीबी मशीन और डंपरों से रेत निकाली जा रही है। साथ ही ये भी बताया कि खुलेआम हथियार लेकर डराते हुए अवैध रेत की काला कारोबारी धड़ल्ले से की जा रही है। पर जब मेधा पाटकर वहां पहुंची तो सभी लोग खदान से भाग चुके थे, जिस पर मेधा पाटकर ने कहा कि किसी प्रकार से नर्मदा से रेत निकालना ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ है। पर इस प्रकार खुलेआम रेत निकालना मतलब इसमें अधिकारियों की भी साठगांठ है। एक तरफ कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार का कारोबार खुलेआम इनकी छवि को दर्शाता है। अगर जल्द अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे परिणाम और भयंकर होंगे। तो खबरदार से जहां पर बेखौफ नजर आ रहे बदमाश, आपको बता दें कि क्षेत्र में माफिया बेखौफ होकर अवैध रेत का खनन करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेघा पटनाकर ने कहा है कि किसी प्रकार से नर्मदा से रेत निकालना ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ है और इस प्रकार खुलेआम रेत निकालना मतलब इसमें अधिकारियों की भी साठगांठ है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार का कारोबार खुलेआम किया जा रहा है, उससे इनकी छवि ही दर्शाता है। अगर जल्द अवैध खनन की कार्रवाई नहीं की गई तो आगे परिणाम और भी भयंकर होंगे। तो पूनम पटेल बड़वानी के, जो आज के जो प्रभारी मंत्री है बड़वानी के, उनके रिश्तेदारों में से कोई है जो ये रेत चला रहा है। और जो वहाँ उक्रेन मशीन चल रही थी, जेसीबी मशीन चल रही थी, जो हम आते ही एक एक भाग गए वाहन, और जो वाहन वहाँ अटके पड़े थे उसकी हमने जांच पूछताछ से की तो वही निकला है कि ये लोग रात को खनन कर रहे हैं और इससे ये नर्मदा ख़त्म कर रहे हैं। नर्मदा की कैचमेंट में ये रेत खनन कर रहे हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का हमारी केस में 6 मई 2015 के आदेश है कि उसके अनुसार जो भू अर्जित जमीन है सरदार सरोवर की, उसके मालिक कार्यपालक। सिंगरौली से एक मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार की तीन बच्चियों की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। वह इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार बरहापान गांव में अशोक गुर्जर की तीन बेटियां दोपहर तालाब में नहाने गई। देर रात तक घर न आने पर परिजनों ने उनकी खोज शुरू की। वहीं इसके बाद परिजनों के न मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को तालाब से बरामद किया है। तो सिंगरौली से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर तीन बच्चियों की तालाब में डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं जानकारी के अनुसार बरहापान गांव में अशोक गुर्जर की तीन बेटियां दोपहर के दिन समय तालाब में नहाने गई थी और देर रात तक घर न आने पर परिजनों ने उनकी खोज शुरू की और इसके बाद बच्चियों के न मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने तीनों बच्चियों के शव को तालाब से बरामद किया है। लॉकडाउन में कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है, लेकिन ऐसे में गली मोहल्लों में रहने वाले पशु काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि गली मोहल्लों में घूमने वाले पशु इंसानों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई भी बाहर आकर जानवरों को खाना नहीं दे रहा है। इसी समस्या को देखते हुए पंछी बचाओ अभियान के कुछ लोग पशुओं की मदद के लिए आगे आए हैं और जानवरों को खाना और पानी दे रहे हैं। तो जिस तरह लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया और कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया, लेकिन ऐसे में गली मोहल्लों में रहने वाले पशु इससे काफी परेशान हैं, क्योंकि गली मोहल्लों में घूमने वाले पशु इंसानों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई भी बाहर आकर जानवरों को खाना नहीं दे रहा और इसी समस्या को देखते हुए पंछी बचाओ अभियान के कुछ लोग पशुओं की मदद के लिए आगे आए और जानवरों को खाना पानी दे रहे हैं। सिवनी के छापरा जोन के आईपीजी भगवत सिंह चौहान थाना पहुंचे। थाने में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक मौजूद थे। दरअसल आईपीजी थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि आईजीपी भगवत सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को कोविड-19 से बचने के लिए दवाइयों की किट बांटी और साथ ही सतर्कता से ड्यूटी की सलाह दी है। तो सिवनी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर आईजीपी थाना पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आईजीपी भगवत सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को कोविड-19 से बचने के लिए दवाइयों की किट बांटे और साथ ही सतर्कता से ड्यूटी करने की सभी पुलिसकर्मियों को सलाह दी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस बीमारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई इससे अपने अपने अंदाज में लड़ रहा है। जहां डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी लगातार बिना किसी भय के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लालच के गरीबों की मदद कर रहे हैं और जरूरतमंद तक खाना पहुंचा रहे हैं। रीवा के विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के द्वारा कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की मदद करने की मुहिम को शुरू किया गया है। इस मुहिम के तहत यहां गल्ला मंडी में वितरण केंद्र बनाकर खाद्यान्न बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस कच्चे खाद्यान्न में जरूरत की सभी चीजें रहेंगी। वहीं देश की एक बड़ी विपदा में गुजर रहा है। व्यापारी संघ के द्वारा शुरू की गई इस सराहनीय पहल की चारों तरफ तारीफें हो रही हैं। इससे लॉकडाउन में जो गरीब हैं, जो रोज कमाकर अपना परिवार चलाते थे, उनको भी काफी मदद मिलेगी। कोविड महामारी जो अपने 2019 बोलते हैं वो शुरू हुई थी, तो ये शुरुआत में देखा गया कि सबसे ज़्यादा मीडियम परिवार पिसता है। गरीबों को मदद मिल जाती, ऊपर वालों के पास खुद का पैसा है, पर मीडियम परिवार जो ना हाथ फैला सकता है ना मांग सकता है। तो हम उन्होंने व्यापारी संघ में एक आया, वो भैया राजेंद्र शुक्ला जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने अगले साल शुरुआत की थी खाद्यान्न वितरण की। तो मीडियम परिवार हैं जो मांग नहीं सकते, उनके घर घर पहुँचाया था और हज़ारों पैकेट हम उन्होंने दान किया था। इस बार फिर अब थोड़ा, इस बार बोलते हैं कि कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, पहले डर था, पर डर से बैठना अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आज हम लोगों ने फिर से शुरुआत की। भैया मानिए राजेंद्र शुक्ला विधायक जी का फ़ोन आया कि आप लोग शुरुआत करिए और मीडियम परिवार को पहुंचाना ज़रूरी है, जिनके यहाँ वो ले नहीं सकते, उनको खाद्यान्न पहुंचाना ज़रूरी है। उनको तो सबसे पहले प्रशासन की ओर से हम लोग है ना बधाई देते हैं और धन्यवाद है ना कहते हैं कि उन्होंने अपना है ना योगदान इस कठिन समय पर ना दे रखे हैं। जब कोविड का ना फर्स्ट वेव चल रही थी तब भी ना मतलब इन लोगों ने ना काफ़ी अच्छा काम किया है। सारे लोगों ने ना इसको ना तारीफ भी किए हैं। ज़रूरतमंद लोग हैं, ये कठिन समय पे बहुत सारे लोगों का उस दिन कमा के उस दिन ना खाने वाले लोगों को डेफिनेटली ना प्रॉब्लम होती है। सो उसी टाइम पे इस प्रकार का ना सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन आके आना जिले के लिए ना बहुत अच्छी बात है। और प्रशासन भी लगातार इस दिशा में ना काम कर रहा है। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 महीने का रेशन ना देने के लिए ना निर्देश दिए हैं। सो उसका काम भी हम लोग लगातार कर रखे हैं, बट उसके साथ साथ है ना और भी आइटम्स को है ना ज़रूरत पड़ती है, उसका हमारी सामाजिक संगठन ये विंध्य व्यापारी है ना संघ आज शुरुआत किए हैं। और भी कुछ संगठन है इसमें ना हम लोग है ना शामिल कर सकते हैं। प्रशासन की रोल ये रहेगा कि इन सारे लोगों का हम एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करें, किसी का भी मदद चाहिए वो है ना उस नंबर पर कॉल करे, या फिर ऐसे सामाजिक संगठन हैं किनको है ना मदद चाहिए उनको पहचाने। सो एक ब्रिज रूप से रतलाम से एक मामला सामने आया जहां महज 2 साल के बच्चे ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। आपको बता दें कि इस बच्चे ने विश्व के यंगेस्ट टैलेंटेड बॉय और नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बच्चे को कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रॉस्पिंग पावर जीनियस किट भी सम्मानित किया गया है। तो रतलाम से एक खबर बता रहे जहां पर 2 साल के बच्चे ने विश्व में अपना लोहा मनवाया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बच्चे ने विश्व के यंगेस्ट टैलेंट बॉय और नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया और इस बच्चे को कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रॉस्पिंग पावर जीनियस किट भी सम्मानित किया गया है। सोचा तो नहीं था, लेकिन ये जब छोटा था तब से ही इसमें जिज्ञासा थी, कुछ देख मतलब कोई भी चीज़ नहीं बताते थे हम, तो इसको इच्छा होती थी कि ये क्या है। जैसे ABCD भी बोलना सिखाया उसको, तो ये उसको रिपीट करता था बार बार जैसे बोलना सीखा, तो हमें लगा कि यार ये बच्चा कुछ सीखेगा, तो बहुत खुशी हो रही है। तो इतना बड़ा अचीवमेंट इस छोटे से बच्चे ने किया है। जैसे कि ये जब 6 मंथ्स का था तो इसने कार्टून देखे कुछ, जैसे अल्फ़ाबेट्स के होते हैं, तो उसके बाद फिर ये इंटरेस्ट लेने लगा। फिर हम एक बार ऐसे ही बाहर निकले तो होर्डिंग पर इसने लेटर्स को, जब ये 1 साल का हुआ तो ये रिकग्नाइज करने लगा कि पढ़ने लग गया था ABCD, मतलब जो भी स्पेलिंग वर्ड्स होते थे। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि इसको अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो ये और ज़्यादा सीख सकते। गुना के बमोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किटरा में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण परेशानी हो रही है। गांव के कई ग्रामीण खेतों में खुले में शव जलाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार शमशान घाट बनवाने के लिए मांग की गई है, लेकिन उनकी मांग प्रशासन द्वारा नहीं सुनी गई, इसीलिए ग्रामीणों को खुले में लाशें जलानी पड़ रही हैं। तो खबर गुना से हम आपको बता रहे हैं जहां पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं तक
नहीं मिल पा रही और इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव के कई ग्रामीण खेतों में खुले में शव जलाने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि उनके द्वारा कई बार शमशान घाट बनवाने के लिए मांग की गई, लेकिन उनकी मांग प्रशासन के द्वारा सुनी नहीं गई, इसीलिए ग्रामीणों को खुले में लाशें जलानी पड़ रही है। रतलाम से एक मामला सामने आया जहां कार में बीमार एक वृद्ध व्यक्ति ने करीब 1.5 घंटे तक सिविल हॉस्पिटल के गेट पर इलाज का इंतजार किया, लेकिन इलाज न मिल पाने के कारण वृद्ध व्यक्ति ने अस्पताल के सामने ही दम तोड़ दिया। वृद्ध के दम तोड़ने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। तो रतलाम से एक खबर बता रहे जहां पर अस्पताल के बाहर वृद्ध ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि ये मामला रतलाम से जहां पर कार में बीमार एक वृद्ध युवक ने करीब 1.5 घंटे तक सिविल हॉस्पिटल के गेट पर इलाज का इंतजार किया, लेकिन इलाज न मिल पाने के कारण वृद्ध व्यक्ति ने अस्पताल के सामने ही दम तोड़ दिया। वहीं वृद्ध के दम तोड़ने के बाद परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा किया। सर कोई डॉक्टर या कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर, हम यहाँ पर घंटा होने लगे, हम बाहर खड़े ही खड़े, तो इधर से बोलते उधर उस हॉस्पिटल ले जाओ, उधर से बोलते इधर ले जाओ। क्या हुआ था इन्हें, क्यों लेके आए? सांस चढ़ी थी सर इनकी। क्या नाम है इनका, कौन से गांव से? कुकाला गांव हो जाएगा पाटीदा। जी हाँ कर दिया ना सर, एस डी एम साहब को फोन लगाया था। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला ठीक है मैं डॉक्टर साहब को फोन लगाता हूँ। नहीं आया सर डॉक्टर। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।